वीडियो वाला, फिर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप रेस्पबेरी पाई में कोडिंग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट एक बना सकते हैं जो कि बेसिकली एलडीआर पे होने वाला है। कि जब आप अपने हाथों को एलडीआर के सामने लाएंगे, मतलब मीन्स जब अंधेरा होगा एलडीआर के सामने तो क्या होगा, जो एलईडी बल्ब लगा होगा वो ऑन हो जाएगा, और जब उसके सामने उजाला होगा तो एलईडी बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाना चाहिए, है ना। सो ये कोडिंग बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है प्रोग्राम पे, देन आपको आनी है पाइथन पे, है ना। यहाँ पे आपको आना है न्यू फाइल पे, और यहाँ पे सिंपली ओके, मेरे में पहले से ही सेव है फाइल, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली, जैसा आयर सेंसर वाली जो होती है ना, बिल्कुल उसी टाइप की। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, एंड देन आफ्टर मैं इस कोड को इसमें सेव कर लेता हूँ, पेस्ट, है ना। तो आपको सेम टू सेम कोडिंग को आपको नोट डाउन कर लेना है, है ना। देन आफ्टर आपको सिंपली क्या करना है, रन पे जाना है एंड देन रन मॉड्यूल। ओके, जब आप इस पे आएंगे तो ये बोलेगा सेव करने के लिए, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एलडीआर लाइट ऑन ऑफ, है ना। देखिए जो लाइट लगी होगी, है ना, एलईडी बल्ब जो हम लोग लगाएंगे उसको ये ऑन ऑफ करेगा। इसको हमने सेव कर दिया। देन आफ्टर आपको क्या करना है, कनेक्शन कर लेना है। और एलडीआर में टोटल तीन पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको प्लस फाइव पे कनेक्ट करना है, एक नेगेटिव होता है जिसको माइनस पे कनेक्ट करना है, एंड एक आपकी आउटपुट पिन होती है ओके, जिसको आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर, वन सेकेंड, आउटपुट पिन को कनेक्ट करना है आपको पिन नंबर 5 पर, इनपुट पिन को कनेक्ट करना है पिन नंबर 3 पर। ओके, सो देख लेते हैं कि ये सब पिन कहाँ कहाँ पे होता है ना रेस्पबेरी पाई में। सो मैं रेस्पबेरी पाई के इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज को ओपन होने देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस 5 है, 2 नंबर पिन एंड 4 नंबर पिन, है ना, ऑन बोर्ड 2 नंबर पिन एंड 4 नंबर पिन प्लस 5 है। GND आपकी 9 नंबर पिन है, GND आपकी 14 नंबर पिन पे GND है, देन आफ्टर 39 नंबर पिन GND है, मतलब बहुत सारे GND पिन आपको मिल जाएंगे, है ना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।